अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और एक दो अपडेट है, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें दो तीन चीज़ें जो है सामने आई हैं। सऊदी अरब के अंदर अब तीसरी बूस्टर डोज लगना शुरू हो गई है, लेकिन पहले वो किन लोगों को लगाई जा रही है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो पहले तो वो लोग हैं जिनका किडनी फेलियर का मसला है, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, और तीसरे वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और उनको कोरोना वायरस की सेकेंड डोज लिए हुए 8 महीने से ऊपर हो गए हैं। अब यहाँ पर जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, इसके बारे में अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि उनको अभी किस यानी कौन सी डेट से वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि बहुत जल्द इसके बारे में ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों को किडनी फेलियर का मसला है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है उनको कोरोना वायरस की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है सऊदी अरब के अंदर। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर दिन मैं आपको कोरोना वायरस की रिपोर्ट बताता हूँ, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोरोना वायरस की रिपोर्ट को चेंज कर दिया है। पहले हर सिटी के हिसाब से मरीज बताए जाते थे, कितने मरीज कौन सी सिटी में निकले हैं, लेकिन अब जो है इसको चेंज करके यहाँ पर कितने परसेंट लोगों ने कौन सी सिटी में कोरोना वायरस की दोनों डोज लगवाई हैं ये बताया जा रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे में सिर्फ नए जो केस निकले हैं वो 44 हैं, 58 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 244 क्रिटिकल केस हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है। अब यहाँ पर जो है मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो कोरोना वायरस के केसेस हैं बहुत कम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या इस रिपोर्ट को जो है मैं मजीद में आपको बताऊं अगली वीडियो में या ना बताऊं, इसके बारे में आप जो है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं बताऊं आपको कितने केस निकले हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने केस जो है बाकी रह गए हैं अभी सऊदी अरब के अंदर, तो कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं कि मैं इसको बताऊँ आपको या ना बताऊँ। तो कमेंट में आप यस लिख सकते हैं, और अगर ना बताना हो तो आप वहाँ पर नो लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गए हैं। तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही जो है कर लूँगा यहाँ पर। तो एक भाई ने यहाँ पे जो है सवाल किया है, भाई कुछ वक्त पहले ये खबर आई थी कि जो बंदा छुट्टी गया और वापस नहीं आया वो लाइफ टाइम सऊदी नहीं आ सकता, अब आप बोल रहे हो 3 साल नहीं आ सकता, क्या सही है, प्लीज़ इसके बारे में जो है बताइए। तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन है इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 14 मार्च 2021 से जो कफाला सिस्टम खत्म हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया था, इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियो जो है बना चुका हूँ और आपको इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। अब जो लोग 14 मार्च 2021 से पहले गए हैं सऊदी अरब से छुट्टी, उन पर 3 साल की पाबंदी है, ठीक है, और जो लोग 14 मार्च 2021 के बाद जो है छुट्टी गए हैं अगर वो वापस नहीं आएंगे तो उनके ऊपर ज़िंदगी भर की पाबंदी लग जाएगी, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उन पे ये पाबंदी सिर्फ 3 साल की होगी, चाहे वो अभी जाके रुक जाएंगे तो भी उन पे 3 साल की पाबंदी होगी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मुसस्से में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, और उन लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कर लिया है, जो कीवा प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था, अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लिया है कंपनी के साथ, और अगर आप जो है अब जाते हैं छुट्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, आप वापस नहीं आते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर ज़िंदगी भर की पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मुसस्सों में काम करते हैं, 14 मार्च 2021 से पहले गए हैं उन पर सिर्फ 3 साल की पाबंदी है, और 14 मार्च 2021 के बाद जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन अपना एक्सेप्ट किया है और वो छुट्टी गए और वापस नहीं आएंगे तो उन पर ज़िंदगी भर की पाबंदी लगा दी जाएगी, और जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो चाहे अभी गए हों या पहले गए हों उन पर सिर्फ 3 साल की पाबंदी ही होगी। और एक भाई ने जो यहाँ पे सवाल किया, शुड आई वेट टू डायरेक्ट फ्लाइट और वाया दुबई आई एम वैक्सीनेटेड फ्रॉम इंडिया, तो उनका सवाल यही है कि क्या मुझे वेट करना चाहिए डायरेक्ट फ्लाइट खुलने का, या वाया दुबई होके चला जाऊँ वो जो है वैक्सीनेटेड है इंडिया से। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी जो 30 सितंबर तक पाबंदी लगा रखी है नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट पे, तो अभी 4 दिन बाकी हैं, इसमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, देखते हैं क्या फैसला लेती है इंडियन गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है डिसीजन अगर आप लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे इंशाल्लाह हो सकता है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट भी बहुत जल्द डायरेक्ट फ्लाइट खोल दे, वो हमने जो है रूल्स रेगुलेशन आपको बताए थे, अभी जो भी सऊदी अरब आएंगे अगर उन्होंने एक वैक्सीन लगवाई है और या कोई ऐसी वैक्सीन लगवाई है जो सऊदी अरब में काबिल कबूल नहीं है तो उनको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा। एक और भाई ने जो यहाँ पे सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, जो न्यू वीज़ा वाले हैं वो इस सर्विस पोर्टल में कैसे सर्टिफिकेट अपलोड करें। वालेकुम अस्सलाम भाई, तो देखिए ई सर्विस पोर्टल का जो ताल्लुक है वो इकामा होल्डर्स के लिए है, उसमें नए वीज़ा वाले
या विजिट वीज़ा वाले, फैमिली विजिट वीज़ा वाले, उनको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो एकामा होल्डर्स हैं सऊदी अरब के, गवर्नमेंट ने ई सर्विस पोर्टल उन्हीं लोगों को दिया है ताकि वो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उस पर अपलोड कर सकें और उनकी तवक्कल ना इम्यून हो जाए। लेकिन जो नए वीज़ा वाले हैं उनको तो एकामा नहीं होता, या जो विजिट वीज़ा वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है फ्लाइट से 72 घंटे पहले, जब आपकी फ़्लाइट होगी सऊदी अरब के लिए। और एक और भाई ने जो यहाँ पे सवाल किया है, सर सऊदी में दोनों वैक्सीन लगाया है, क्या नए वीज़ा पे सऊदी आ सकते हैं? तो उनके कहने का मतलब यही है कि सऊदी अरब के अंदर दोनों डोज लगवा ली है, अब वो फाइनल एग्जिट जाएंगे तो क्या नए वीज़ा पे डायरेक्ट आ सकते हैं या नहीं आ सकते? तो यहाँ मैं आपको आपकी जानकारी के लिए जो है बता देता हूँ, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन दी है जो एग्जिट रेंट्री वीज़ा पे छुट्टी पे गए हैं, यानी एकामा होल्डर्स हैं, और उन्होंने सऊदी अरब के अंदर दोनों डोज कंप्लीट की हैं, वो ही सऊदी अरब का डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं। ना ही ना तो विजिट वीज़ा वाले कर सकते हैं, ना ही नए वीज़ा वाले कर सकते हैं डायरेक्ट सफ़र, चाहे आपने सऊदी अरब के अंदर ही क्यों ना दोनों डोज लगवाई हैं। सिर्फ और सिर्फ एकामा होल्डर्स के लिए यहाँ पर परमिशन दी गई है सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कुछ ज़रूरी सवाल थे, कुछ ज़रूरी जानकारी थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।